रांची जिले के रंगांगिया गांव में माजुआ भूस्खलन स्थल का निरीक्षण किया। उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को खराब मौसम के कारण आज हवाई मार्ग से नहीं निकाला जा सका। सीमा सड़क संगठन संपर्क बहाल करने के लिए काम कर रहा है। भूस्खलन में 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को आधा एकड़ कृषि योग्य भूमि और 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश में नवनियुक्त मुख्यमंत्री पेमा खांडू मंत्रिपरिषद में आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया। 12 सदस्यीय राज्य मंत्रिपरिषद में 9 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन को दोबारा वित्त योजना और निवेश तथा बिजली मंत्रालय दिया गया है। मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए जिरीबाम जिले के बोरा ब्रेका में उपसंभाग के आंतरिक इलाकों में अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों को तैनात किया गया है। जिले में 6 मई को शुरू हुई हिंसा में बोरो ब्रेका उपसंभाग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए हैं। गोलीबारी में विशेष कार्य बल का एक जवान शहीद हो गया। एक रिपोर्ट। आज फरस बेड़ा और ढुरबेड़ा के बीच जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद घटना स्थल की तलाशी के दौरान 8 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा मौके से 2 राइफल, 1 BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है। घटना में घायल 2 जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच राज्य के बीजापुर जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान 5 लाख की इनामी महिला नक्सली सहित 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार जारी राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य राज्य का दौरा करके विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपेंगे। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार के कुप्रबंधन के कारण लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये दिल्ली सरकार की विफलता है। प्राथमिक रूप से दायित्व तो दिल्ली की सरकार का है। दिल्ली के पानी का संकट केवल और केवल कुप्रबंधन के कारण से है। इट्स एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कांग्रेस पार्टी ने भी कई स्थानों पर राज्य सरकार के खिलाफ मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। इस बीच जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड टैंकरों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन